नमस्कार, केडीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आज आपको पाठ एक अहम वृक्षा अस्मि पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें लट लकार और लिट लकार का प्रयोग हुआ है। लट लकार का अर्थ है कि वर्तमान काल और लिट लकार का अर्थ होता है भविष्य काल। तो पहले हम इसके रूप देख लेते हैं। पठ धातु लट लकार वर्तमान काल, पठती पठता पठंती पठसी पठता पठत पठामी पठावा पठामा। अब हम लिट लकार के बारे में जानते हैं। पठ धातु लिट लकार भविष्यति काल, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यथा पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्यावा पठिष्यामः। अब मैं इस पाठ का हिंदी अनुवाद बताने जा रही हूँ। अहम वृक्षा अस्मि, मैं वृक्ष हूँ, इसको एक संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सर्वज्ञ हे गायिका त्वम कुत्र गच्छसि, सर्वज्ञ हे गायक तुम कहाँ जाते हो। गायिका अहम वृक्षारोपणार्थम उद्यानम गच्छामि, मैं वृक्ष लगाने के लिए बगीचे में जाता हूँ। सर्वज्ञ कहता है अहम अपि त्वया सह चलामि, सर्वज्ञ कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उद्याने वृक्षारोपणम कुरुतः, उद्यान में वृक्षारोपण करते हैं। सर्वज्ञ वसुधायाम अंकुरेण वृक्षा कथम भविष्यति, पृथ्वी पर अंकुर से वृक्ष कैसे होगा। गायिका एमं प्रश्नम वृक्षमेव प्रक्षावा, यह प्रश्न वृक्ष से ही पूछते हैं। सर्वज्ञ वृक्षा अपि वदति किम्, वृक्ष भी बोलता है क्या। गायिका आम वृक्षा अपि जीवा अस्ति, हाँ वृक्ष भी जीव है। अद्य वयम वृक्षस्य आत्मकथा श्रणुमः, अब हम सब आज वृक्ष की आत्मकथा सुनेंगे। अहम वृक्षा अस्मि, मैं वृक्ष हूँ, मम जन्म वसुधाया गर्भे बीजेण अंकुरस्य रूपेण भवति, मेरा जन्म पृथ्वी के गर्भ में बीज से अंकुर के रूप में होता है। क्रमशः द्वे पत्रे अनेकानि पत्राणि ततश्च फलानि अपि आगच्छन्ति, क्रमशः दो पत्ते अनेक पत्ते उसके बाद फल भी आते हैं। मम हृदये अनेके खगा वसन्ति, मेरे हृदय में अनेक पक्षी रहते हैं। पत्राणाम छायायाम जना शीतलाम अनुभवसि, पत्तों की छाया में लोग शीतलता का अनुभव करते हैं। मम फलाने मनुष्या खगा चा खादन्ति, मेरे फल मनुष्य और पक्षी खाते हैं। यदा अहम वृद्धा भविष्यामि, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तदा मम देहा जीर्णा भविष्यति, तब मेरा शरीर भी बूढ़ा हो जाएगा। मम शरीरे नवानी पत्राणि न आगमिष्यन्ति, मेरे शरीर में नए पत्ते भी नहीं आएंगे। फलानि न फलिष्यन्ति, फल भी नहीं फलेंगे। जना खगा चा मम पार्श्वे न आगमिष्यति, मनुष्य और पक्षी मेरे पास भी नहीं आएंगे। काष्ठिका मम छेदनम करिष्यति, लकड़हारा मुझे काटेगा। काष्ठेन विविधा उपास्कारा भविष्यन्ति, लकड़हारा लकड़ी के अनेक उपकरण बनाएगा। मम जीवनम परोपकारे अस्ति, मेरा जीवन परोपकार के लिए है। अतः मम विषय उक्तम चा, अतः मेरे विषय में कहा गया है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं। परोपकाराय बहन्ति नद्या, परोपकार के लिए नदी बहती है। परोपकाराय दुहन्ति गाव्या, परोपकार के लिए गाय दुही जाती हैं। परोपकार था मिदम शरीरम, यह मेरा शरीर भी परोपकार के लिए ही है। इस तरह हमने इस पाठ को सीखा। आशा है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।